हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है दिनेश कुमार और मैं आप लोगों को कक्षा 11 और 12 के रसायन विज्ञान पढ़ाता हूं। आज मैं कक्षा 11 के एनसीईआरटी बुक से एक फ्रेश चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं। चौथा चैप्टर है रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। देखो आप, चौथी यूनिट है रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना और पहला लेक्चर है आज के इस चैप्टर में। टॉपिक आज की क्या है इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बाद में बात करूंगा। पहले हम लोग थोड़ा सोचते हैं चैप्टर के नाम पे रासायनिक आबंधन, केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर विचार करते हैं। क्यों कोई एटम बंध बनाता है और किस तरह से अणु बनते हैं जब एटम आपस में जुड़ते हैं, और आणविक संरचनाओं की बाद में की जाएगी जब हम लोग सारे बॉन्ड पढ़ लेंगे। उसके बाद आणविक संरचनाएं कैसे होती हैं, कौन कौन से सिद्धांत इनके ऊपर प्रतिपादित किए गए, उनको हम बाद में बताएंगे आपको। यहाँ मैं सबसे पहले आपको रासायनिक आबंधन, कितने तरह के केमिकल बॉन्ड बनते हैं, इन सब के बारे में बताऊंगा। थोड़ा सा विचार करना है आपको हमारे साथ कि क्यों कोई एटम केमिकल बॉन्डिंग करता है, रासायनिक बंध क्यों बनाता है और रासायनिक बंध है क्या चीज़। तो पहले यहाँ सबसे सिंपलेस्ट एटम जो है हाइड्रोजन, सबसे सरल परमाणु है क्योंकि हाइड्रोजन में केवल एक ही प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन भी है और इसका परमाणु भार भी एक है। तो हाइड्रोजन की बात करेंगे हम। हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन के साथ ही जुड़ता है तो पहले से आप जानते हो कि H+H जुड़ करके हाइड्रोजन गैस का एक अणु बनाता है। यह परमाणु हुआ, यह अणु हुआ। तो परमाणु क्यों आपस में जुड़ा इसके ऊपर विचार करना है। यहाँ बॉन्ड वास्तव में क्या होते हैं, हाइड्रोजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन का दूसरा परमाणु क्यों ये समीप आ गए हैं और बॉन्ड वास्तव में है क्या। तो आप जानो कि बॉन्ड वास्तव में, जैसे हम रेखाओं द्वारा दिखाते हैं, कोई रेखा नहीं है बल्कि एक आकर्षण बल है दो एटम के मध्य। और बंध इसलिए बनते हैं ताकि जो ये एटम फ्री स्टेज में जब होते हैं तो इनकी ऊर्जा ज़्यादा होती है। और प्रकृति में कोई भी निकाय हो जिसकी ऊर्जा ज़्यादा है वह हमेशा अपनी ऊर्जा को घटाने का प्रयास करता है। उसके लिए उसको जो मार्ग सुगम होता है वह चुनता है और अपनी ऊर्जा को कम करता है। तो परमाणु भी अपनी ऊर्जा को कम करने के लिए दूसरे परमाणु के साथ, जिनके साथ वह बॉन्ड बना सकें, उनके समीप आकर के एक मॉलिक्यूल का, एक अणु का निर्माण करते हैं और इस तरह से वे अपनी ऊर्जा को कम करते हैं। जैसे हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ दो हाइड्रोजन परमाणु है ना, तो इनकी ऊर्जा ज़्यादा है और जब ये अणु बना लिए तो इस अणु की ऊर्जा इन परमाणुओं की अपेक्षा कम है। तो यह परमाणु, जैसा आपने परमाणु की परिभाषा में भी पढ़ा है कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते हैं लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अक्रिय गैसों के परमाणुओं को छोड़कर, क्योंकि अक्रिय गैसों की प्रॉपर्टी ही यही होती है कि वे किसी दूसरे तत्व के साथ संयोग न करें, वो पूर्ण होते हैं। इन सब के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, आगे करेंगे। तो यहाँ देखो, बॉन्ड इसलिए बनते हैं, सिंपली आप जानो, क्योंकि एटम अपनी एनर्जी को कम करते हैं। और जब किसी निकाय की ऊर्जा कम होती है, जितनी ही ऊर्जा कम होती जाती है प्रकृति में वे उतने ही अस्थायी होते जाते हैं। तो एटम से मॉलिक्यूल का निर्माण, परमाणुओं से अणुओं का निर्माण इसलिए होता है कि परमाणुओं की एनर्जी ज़्यादा होती है, वो अपनी ऊर्जा को कम करते हैं एक दूसरे के समीप आकर के। तो ये चीज़ तो आपने जान लिया। और बंध क्या होते हैं, तो बंध आकर्षण बल होते हैं दो परमाणुओं के मध्य। तो इनकी व्याख्या करने के लिए, परमाणुओं अणुओं की और केमिकल बॉन्डिंग की व्याख्या करने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने बहुत समय से प्रयास किया और बाद में कुछ सिद्धांत हमको पढ़ने को मिलेंगे, जिनमें पहला सिद्धांत है रासायनिक आबंधन की कोसेल-लुईस अवधारणा। और यही हमारी आज की टॉपिक है। लुईस और कोसेल के विचार क्या थे, उन्होंने रासायनिक आबंधन की क्रिया को किस तरह से समझाया। तो क्रमशः जैसे जैसे हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो आप लोग जानेंगे कि बंध कितने प्रकार के होते हैं, रासायनिक बंध कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से सिद्धांत आए। इसके बाद VSEPR, संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, उसकी बात करेंगे। उसके बाद
वैलेंस बांड थ्योरी की बात करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करेंगे, तो ये सारे सिद्धांत आएंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को रासायनिक आबंधन की कोसेल लुईस अवधारणा के बारे में बताऊंगा। आप साथ में बने रहें और साथ में अपने नोट्स भी तैयार करते चलें। उसके लिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप वीडियो से स्क्रीनशॉट लो। जब आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो बाद में उस स्क्रीनशॉट के द्वारा अपने नोट्स आसानी से बना सकते हो, क्योंकि स्क्रीनशॉट को आप जूम करके फॉन्ट को आसानी से देख सकते हैं और वहाँ से नोट्स तैयार कर सकते हैं। इसलिए मैं स्क्रीनशॉट बार बार लेने के लिए बोलता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं और यहाँ बताऊँगा मैं आपको कि लुईस की अवधारणाएँ क्या हैं। तो सबसे पहले लुईस की अवधारणाएँ यहाँ हम नोट कर दे रहे हैं, देखो। तो चलो बच्चों, यहाँ मैं आप लोगों को रासायनिक आबंधन की कोसेल लुईस अवधारणा के कुछ बिंदु दिखा रहा हूँ, जो प्रमुख बिंदु हैं। रासायनिक आबंध के संबंध में लुईस व कोसेल की अवधारणाएँ निम्न प्रकार से हैं। देखो, पहला पॉइंट है, आवर्त सारणी में स्थित ऋण विद्युतीय तत्व जैसे हैलोजन तत्व तथा धन विद्युतीय तत्व जैसे क्षार धातुएं अक्रिय गैसों द्वारा एक दूसरे से पृथक हैं। पहले भी हमने तीसरे चैप्टर में जब आपको पढ़ाया तो सारी बातें क्लियर किया है, यहाँ फिर से बता दे रहा हूँ। देखो आप, क्षार धातुएं जो हैं प्रथम वर्ग में रखी गई हैं। क्षार धातुएं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये क्या है, प्रथम समूह में। और दीर्घाकार आवर्त सारणी में जब आप चलेंगे तो आपको कुल 18 ऊर्ध्व कॉलम मिलते हैं ना, तो 18वें कॉलम में आपको अक्रिय गैसें मिलती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। और यहाँ 17वें समूह में हैलोजन तत्व हैं, 17वें वर्ग में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये ऋणायन और ये धनायन, इन ऋणायन के बाद जब हम धनायन पे आएंगे, जैसे फ्लोरीन के बाद अगले एटम, फ्लोरीन नियान के बाद अगले एटम सोडियम पर आएंगे, तो इनके बीच में अक्रिय गैसें आ रही हैं ना। देखो यहाँ हम आ रहे हैं, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, नियान का 10, सोडियम का 11, तो 9 और 10 के बीच में 11 आ रहा है ना। इसी बात को लिखा गया है कि यहाँ ऋणायन हैलोजन परमाणुओं और यहाँ पे धनायन वाले जैसे क्षार धातुओं के मध्य में अक्रिय गैसें आ रही हैं। दूसरा पॉइंट देखो, हैलोजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन तथा क्षार धातुएं एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती हैं। यह गलती से लिखा हुआ है, इसको हम धनायन कर दे रहे हैं। देखो, क्षार धातुएं जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगी तो धनायन बनाएंगी, क्षार धातुएं एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाती हैं। तो ये जो हैलोजन एटम्स हैं, हैलोजन तत्व जो हैं, इनकी इनकी टेंडेंसी क्या होती है, या जानो आप, इनकी टेंडेंसी होती है कि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें और ऋणायन बनाएं। जैसे फ्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो फ्लोरीन माइनस आयन, ये ऋणायन बनाता है। और क्षार धातुओं की टेंडेंसी क्या होती है, इनकी टेंडेंसी होती है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करें और धनायन का निर्माण करें, ठीक है। जैसे सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके सोडियम धनायन बनाता है, और यह फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके फ्लोराइड ऋणायन बनाता है। अब देखो, तीसरा पॉइंट है, इस प्रकार निर्मित धनायन व ऋणायन अक्रिय गैसों का अस्थायी विन्यास प्राप्त करते हैं तथा इनके बाहरी कक्षा, जिसको हम संयोजी कक्षा या वैलेंस शेल कहते हैं, में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ लिखा है हीलियम को छोड़ करके, चूंकि हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही कक्षा होती है, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन तो होने की संभावना है नहीं। तो जब ये धनायन बनाएंगे, देखो सोडियम आयन बनाएगा, तब भी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्रिय गैस के समान होगा, और ये फ्लोरीन या क्लोरीन अगर ऋणायन बनाता है तब भी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्रिय गैस के समान हो जाएगा। जैसे फ्लोरीन अगर ऋणायन बनाता है तो नियान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण करेगा, और यह सोडियम अगर धनायन बनाता है तो फिर यह नियान का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण करेगा। अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट है, धनायन तथा ऋणायन स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे के समीप आकर अस्थायित्व प्राप्त करते हैं। और जब धनायन और ऋणायन का निर्माण हो जाता है तो फिर ये कैसे आते हैं, चूंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स के मध्य आकर्षण होता है ना। मान लो कि यहाँ से सोडियम आयन बना और इधर से क्लोराइड आयन बना
हाइड्रोजन परमाणुओं से। तो धनायन ऋणायन आकर्षण के कारण, चूंकि दोनों अपोजिट चार्ज हैं, आकर्षण के कारण एक दूसरे से समीप आएंगे और इनके मध्य जो बल कार्य करेगा, इनके बीच में जो बल कार्य करेगा उनको स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कहते हैं। इस बल के कारण ये एक दूसरे के समीप आ जाते हैं और अस्थायी रूप से स्थिर हो जाते हैं, अपनी एनर्जी को घटा देते हैं। यहाँ एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ एनर्जी ज़्यादा है और इसकी एनर्जी इनकी अपेक्षा कम है, तो ये एक अस्थायित्व को प्राप्त करते हैं और तब हम कहते हैं कि यहाँ एक बॉन्ड बन गया है। बॉन्ड यानी एक बंधन बन गया है। बॉन्ड का मतलब आप ये ना समझें कि वहाँ लाइन खींच गई, ऐसा कुछ नहीं है। बॉन्ड का मतलब एक बंधन बन गया और वहाँ अस्थायित्व को अणु प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ आपने एक कुल चार पॉइंट्स देखे जिनको हम कोसे लुइस की अवधारणाएं कहते हैं। इसके बाद हम आपको लुइस स्ट्रक्चर, परमाणुओं की लुइस संरचनाएं कैसे लिखी जाती हैं, फिर एक टर्म आया है संयोजी कोष या वैलेंस सेल या संयोजी कक्षा किसे कहते हैं, तो इस पॉइंट पे आ रहे हैं। तो यहाँ हम संयोजी कक्षा दिखा रहे हैं आपको। देखो अगला हमारा टॉपिक है लुइस संरचनाएं। लुइस संरचनाएं, लुइस ने ये बताया कि किसी भी एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो विभिन्न अलग अलग कक्षाओं में हैं। और देखो आप यहाँ डायग्राम से आपको समझा रहा हूँ, एक परमाणु का नाभिक हो गया, इसके बाहर एक कक्षा, इसको दूसरी कक्षा मानो, इसको तीसरी कक्षा मानो आप। तो अंदर तो सबसे पहले जो सबसे पहली कक्षा है उसमें तो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, इससे ज़्यादा हो नहीं सकते। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अधिकतम, इनको भर दिया। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये परमाणुओं के ऊपर निर्भर करता है। हमारा कहने का मतलब यहाँ यह है कि जो सबसे बाहरी कक्षा होगी किसी भी परमाणु की, किसी परमाणु में एक ही कक्षा है तो उसकी वही बाहरी कक्षा है, जिस परमाणु में दो कक्षाएं हैं तो उसकी बाहरी कक्षा दूसरी कक्षा है, जिस परमाणु में तीन कक्षाएं हैं तो तीसरी कक्षा उसकी बाहरी कक्षा है। तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स यही क्या करते हैं कि ये बंध बनाने में या इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान में या इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर में भाग लेते हैं, ये सबसे बाहरी कक्षा। और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन अंदर वाले कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन सुरक्षित होते हैं, उनको बॉन्ड बनाने से कोई मतलब नहीं होता है। तो ये बाहरी कक्षा जो होती है इस कक्षा को ही हम संयोजी कोष या वैलेंस शेल कहते हैं। किसी भी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा बंध बनाने में भाग लेती है और उसी को हम वैलेंस शेल कहते हैं या संयोजी कक्षा या संयोजी कोष कहते हैं। तो लुइस संरचना है, लुइस ने क्या बताया कि किसी एटम को हम केवल एटम का प्रतीक बना दें और उसके ऊपर जो बाहरी कक्षा के यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं को दर्शाएं तो एटम को मान लिया जाएगा। तो जैसे लुइस संरचनाएं है, क्या हैं लुइस ने एक एक एटम का, देखो सबसे सिंपलेस्ट से हम शुरू कर रहे हैं, लिथियम से शुरू करेंगे, दूसरे आवर्त के तत्वों को बनाएंगे जिसमें दो कक्षाएँ होती हैं। जब दूसरे आवर्त पर आएंगे तो लिथियम मिलेगा ना, लिथियम, इसके बाद आगे आएगा बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। लिथियम के बाद यहाँ बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन और नियान आते हैं। तो इस दूसरे आवर्त के तत्वों का यहाँ लुइस संरचना है, मैं दिखा रहा हूँ। देखो आप अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम का यहाँ प्रतीक बनाया Li और इस लिथियम की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन से इसको दर्शा दिया। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और देखो बेरिलियम पर जब आते हैं तो बेरिलियम की बाहरी कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉनों द्वारा इसको दर्शा दिया। इसी तरह बोरान पे आएंगे तो इसकी बाहरी कक्षा में तीन इलेक्ट्रॉन हैं, तीन इलेक्ट्रॉन दिखाया। कार्बन, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके आगे आने वाली केमिस्ट्री में, ये सारी चीज़ें काम आने वाली हैं, जब आप केमिकल बॉन्डिंग करें तब भी काम आएंगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब भी काम आएंगी। तो बहुत केयरफुली ध्यानपूर्वक देखें, लिथियम की बाहरी कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम की बाहरी कक्षा में, सॉरी लिथियम में एक इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम में दो, बोरान में तीन और कार्बन की बाहरी कक्षा में कुल चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह इसके अगला आने वाला तत्व है नाइट्रोजन और यहाँ बाहरी कक्षा में पांच इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कुल छः इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्लोरीन की बाहरी कक्षा में देखो कुल सात इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दो चार छः एक सात इलेक्ट्रॉन।
आगे और बढ़ेंगे तो नियॉन मिलेगा, और नियॉन की बाहरी कक्षा में कुल 8 इलेक्ट्रॉन हम दर्शाते हैं। इन संरचनाओं को लुईस संरचनाएं कहते हैं। तो लुईस संरचना के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ लिखूंगा, देखो आप। तो चलो देखो, यहाँ लुईस संरचनाओं या लुईस प्रतीक के बारे में हमने लिख दिया है। किसी अणु के निर्माण में संबंधित परमाणुओं के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। बाहरी कक्षा को संयोजी कक्षा, देखो बाहरी कक्षा को संयोजी कक्षा या वैलेंस शेल, तथा इन इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इन तत्वों के साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने दर्शा दिए हैं। इस तरह से बाकी तत्वों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी दर्शाए जाते हैं, चूंकि ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। और इन वर्गों में आने वाले आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके नीचे सबकी लुईस संरचनाएँ इसी प्रकार से दर्शाई जाएंगी एटम को, और उसके आगे चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स को दर्शाया जाएगा। तो इनको हम कहते हैं लुईस संरचनाएं या लुईस प्रतीक, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग में अभी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखनी हैं, बतानी हैं। यहाँ आपने एक तरह से विद्युत संयोजकता का एक छोटा सा एग्जांपल देखा है कि किस तरह से धनायन और ऋणायन बने और आपस में आए, और विद्युत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण वे अस्थायी हुए, अस्थायित्व को प्राप्त हुए। तो इस तरह जो बंध बनता है इसको वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। आगे बहुत सारे बंध आने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।